है खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से यरमिया की किताब उसका 70वां बाब उसकी 5वीं आयत से कलाम मुकद्दस की मतलब करूंगी। खुदा यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदा से बगश्ता हो जाता है, क्योंकि वह रितमा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदांद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदांद है, क्योंकि उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुआफिक बदला दूँ। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानिद है जो किसी दूसरों के अंडों पर बैठे, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक ठहरेगा। हमारे मकदस का मकान अजल ही से मुकर्रर किया हुआ जलाली तख्त है। ऐ खुदावंद इसराइल की उम्मीदगा, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो अब हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। आमीन।